नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश यादव, फार्मल द जर्नलिस्ट, जयपुर राजस्थान से। हमारे यूट्यूब चैनल फार्मल द जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। हम आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताएंगे जिसको इंडोर प्लांट के रूप में यूज़ में लिया जाता है, जिसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के मेम्बर के साथ उसको गिफ्ट भी दिया जाता है, उसको शुभ माना जाता है। जो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यह है जेड प्लांट, इसे भाग्य का पौधा भी बोलते हैं। इसे कुबेरवंशी या मनी प्लांट भी कहा जाता है। जेड प्लांट सुख समृद्धि, सफलता और सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। इस पौधे को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह व्यक्ति के भाग्य को बेहतर करने में काम आता है। जेड प्लांट को घर में कौन सी दिशा में लगाना शुभ रहता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन सभी का होता है। जेड प्लांट को घर के अंदर, विशेष रूप से अपने लिविंग रूम, किचन, बेडरूम में दक्षिण पूर्वी दिशा में लगाने से भाग्य और धन आकर्षित होता है। शुक्र ग्रह दक्षिण पूर्वी दिशा का स्वामी होता है, इसलिए धन वृद्धि का योग बना रहता है। जेड प्लांट को देखभाल कैसे करें, कितनी करनी चाहिए? फर्स्ट बात है कि जेड प्लांट को हमें बहुत ही कम देखरेख की जरूरत पड़ती है। ये एक बोंजे टाइप का पेड़ होता है जो बड़ा नहीं होता है। इस पेड़ को पानी की मात्रा कम देनी चाहिए। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तब हमें इसके पानी देना चाहिए। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो ये जड़ गलन होकर ये पौधा मर जाता है, तो हमें विशेष तौर से इसमें पानी का ध्यान रखना होता है। साथ में यह पौधा दीर्घायु पौधा होता है, जो अगर बेहतरीन इसकी केयर करें, देखभाल करें, तो ये लगभग 50 साल तक जीवित रह सकता है। इस पौधे का पत्तियों का आकार एक सिक्के के समान होता है, जिसके कारण इसे मनी प्लांट कहा जाता है। इसकी पत्तियाँ इतनी सॉफ्ट एंड चमकीली होती है कि हमारा मन बिल्कुल आकर्षित करने वाला पौधा होता है। जब पत्तियाँ दिल के आकार की होती है तो इसे दोस्ती का पेड़ भी कहा जाता है। इन्हें भाग्य और सौभाग्य का कामना के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सहप्रेम भेंट करना चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।